છો જે 24 કલાક અને હું છું આપની સાથે ધરા બુલેટિનની શરૂઆત કરે તે પહેલા નજર કરીશું 3 મિનિટમાં તેર ખબરો પર भारत और चीन सरहद वच्चेना विवाद मामले सरकार नो मोटो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी 19 जूने सांजे 5 कलाके बोलावी सर्वदलीय बैठक पीएमओए ट्वीट करीने आपी बैठक की माहिती वीडियो कॉन्फ्रेंस ना माध्यम थी योजाशे बैठक चीन साथे नी अथडामण में 20 जवान शहीद थता देश की जनता में आक्रोश सूत्र द्वारा मती माहिती मुजब सेनाए एलएसी पर कार्यवाही करीने चीन ने जड़बातोड़ जवाब आपवानी छूट आपवामां आवी आईटीबीपीए भारत चीन सीमा पर थी तमाम चौकियों पर आप्यो एलर्ट लद्दाख में आईटीबीपीए वधु 1500 जवानों तैनात कर्या एलएसी पर संघर्ष मुद्दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्यु ट्वीट ट्वीट में लख्यू कि देश सैनिकों ने बलिदान क्यारे नहीं भूले सैनिकों अद्भुत साहस खेड़ियो छे राजनाथ सिंह शहीद जवानों ना परिवार प्रति संवेदना व्यक्त करी लद्दाख में थयेली भारत और चीन वच्चे की अथड़ामण ने लई विदेश मंत्रालय आपी प्रतिक्रिया कहू चीने एकतरफी कार्यवाही करीने एलएसी बदलवानो प्रयास कर्यो छे परंतु भारत पोतानी प्रभुत्वा सुरक्षित राखवा माटे कटिबद्ध छे भारत चीन वच्चे एलएसी पर थयेली हिंसक अथड़ामण बाद चीनना विदेश मंत्रालयना प्रवक्ता झाओ लिजियने आपी प्रतिक्रिया कहू के गलवान घाटी क्षेत्र की प्रभुता हमेशा चीन साथ संबंधित छे आ अंगे चीन भविष्य में कोईपण प्रकार की अथड़ामण नहीं इच्छत लद्दाख में गलवान घाटी पास चीन पास अथड़ामण कर भारत 20 जवानों शहीद थे 4 जवान की हालत हजू गंभीर है शहीदों में 16 बिहार रेजिमेंट कर्नल संतोष बाबू समावेश सूत्रों ने जणाव्या मुजब अथड़ामण में चीन 35 जवानों शहीद थे जो कि चीने हजू सुधी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी भारत चीन वच्चे तनाव ने लेने संयुक्त राष्ट्र आपी चिंता व्यक्त करी छे यूएन सहयोगी प्रवक्ता एरिक कनेकोए जणाव्युं छे के एलएसी पर भारत और चीन वच्चे की तंगपूर्ण स्थिति ने जोईने बंने देश ने संयम राखवा करी अपील भारत और चीन वच्चे गलवान घाटी में थयेली हिंसक अथड़ामण बाद हवे दुनिया भर की नजर छे त्यारे अमेरिकी विदेश मंत्रालय अधिकारी कहू कि भारत और चीन वच्चे चाली रहेला तनाव पर नजर छे एलएसी पर भारत और चीन वच्चे की अथड़ामण देश 20 जवानों शहीद थया छे भारत और चीन वच्चे एलएसी पर तनाव की परिस्थिति ने जोता श्रीनगर लेह हाईवे बंद करवामां आव्यो नेपाळे पण गलवान घाटी में थयेली हिंसक अथड़ामण बाद चिंता व्यक्त करी लद्दाख में एलएसी पर चीन साथ थयेला संघर्ष में शहीद थयेला जवानों ने लई देशभर में गुस्सा माहौल त्यारे दिल्ली में चीनी दूतावास की बहार पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदर्शन करवामां आव्यु स्थिति पर काबू मेळववा माटे मोटी संख्या में सुरक्षा बळ स्थल पर सतत 11मा दिवसे पेट्रोल डीजल भाव में वधारो पेट्रोल में 55 पैसा और डीजल में 69 पैसा वधारो दिल्ली में पेट्रोल की नवी किमत 77 रूपया 28 पैसा प्रति लीटर और डीजल 75 रूपया 79 पैसा प्रति लीटर 11 दिवस में पेट्रोल डीजल में 6 रूपया वधारो राज्य में 5 दिवस में सामान्य वरसाद हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी आगाही 17-20 जून सुधी हलवा वरसाद की आगाही 21 जूने दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में पड़ी शके छे भारे वरसाद राज्य में 5 दिवस रहेशे वादळछायुं वातावरण जन्माष्टमी पर योजाता लोकमेळाने लईने सूत्र द्वारा मळी छे माहिती कोरोनानी स्थितिने जोता आ वर्षे जन्माष्टमी पर नहीं योजाय लोकमेळो 50 वर्ष में प्रथम वखत श्रावण महीना में नहीं योजाय लोकमेळो